ऑल इंडिया डीएसओ ने नीट पीजी और नीट यूजी की काउंसलिंग शुरू करने के लिए दिया ज्ञापन। ज्ञापन के माध्यम से डीएसओ ने कहा कि नीट पीजी और नीट यूजी की काउंसलिंग पर जो रोक लगी है वह तुरंत हटाई जाए और काउंसलिंग शुरू की जाए। वहीं दिल्ली की घटना को लेकर उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों ने डॉक्टरों के ऊपर लाठीचार्ज किया है उन पर जल्द ही कार्रवाई होना चाहिए। आरक्षण शुरू करने की घोषणा के कारण इसे पहले लंबित अदालती मामलों के कारण रोके रखा गया था, चूंकि नंबर गई, लेकिन कोविड महामारी की दूसरी लहर के कारण ये तारीख फिर से स्थगित कर दिया है और परीक्षा 11 सितंबर 2021 को आयोजित की गई। उक्त परीक्षा का परिणाम 28 सितंबर 2021 को प्रकाशित किया गया था और काउंसलिंग प्रक्रिया 25 अक्टूबर 2021 को। आज छात्र संगठन ऑल इंडिया डीएसओ ने पूरे देश भर में प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया गया है और ज्ञापन के द्वारा मांग की गई है कि नीट परीक्षा के द्वारा जो डॉक्टर्स की भर्ती की चयन प्रक्रिया है उसकी काउंसलिंग को जो अभी रोका गया है उसको तुरंत अविलंब चालू करना चाहिए। दूसरी बात है कि दिल्ली में जो डॉक्टर्स लोगों की जान बचाते हैं उन लोगों के ऊपर पुलिस प्रशासन की कार्रवाई के द्वारा लाठीचार्ज किया गया है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और जिन अधिकारियों ने डॉक्टर्स के ऊपर लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया था उन लोगों को तुरंत निलंबित करना चाहिए। आप देखिए कि सरकार का जो रवैया है, पिछले साल कोरोना महामारी के चलते लाखों लोग एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल डॉक्टरों के अभाव में वो लोग भटकते रहे। आज ज़रूरत है कि सभी हॉस्पिटलों में मेडिकल स्टाफ की भर्ती की जाए, डॉक्टर्स की भर्ती की जाए, लेकिन सरकार सिर्फ प्रचार कर रही है लेकिन इन डॉक्टर्स की भर्ती की ज़रूरत है उन लोगों को नहीं कर रही है। तो हम मांग करते हैं कि इसको तुरंत काउंसलिंग को किया जाए ताकि उन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। इसी मांग को लेकर आज ज्ञापन दिया गया।